तो दोस्तों कोविड सेकेंड वेव की वजह से बहुत सारी जो न्यू बाइक्स है वो लॉन्च होने से डिले हो गई है इस साल। तो आपको आने वाले कुछ महीनों में कुछ न्यू बाइक्स देखने को मिलेगी और जो पहले से मार्केट में बाइक्स आ रही है उनमें कुछ नया अपडेट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में बात ही नहीं कौन कौन सी ये सब न्यू बाइक्स होने वाली है, क्या क्या आपको नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे और ग्लोबली अभी कौन कौन सी न्यू बाइक लॉन्च हुई है। सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दूसरी बात की इस लिस्ट में बताई हुई जितनी भी बाइक्स है अगर ये सब कभी भी मार्केट में लॉन्च होती है तो इनकी सबसे पहले आपको अपडेट जानने को मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं सबसे पहले अपडेट देता हूँ कि कौन सी बाइक मार्केट में न्यू आ रही है, कौन सी बाइक में अभी क्या अपडेट आ रहा है। YouTube में एकदम सेट से अपडेट देना पॉसिबल नहीं है, जैसा आप लोग जानते हैं काफी ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन Instagram पे आपको बहुत ही जल्दी अपडेट्स मिल जाती है। तो इसलिए आप लोग Instagram पे फॉलो कर सकते हो अभी तक से अगर आप लोगों ने नहीं किया है, तो Instagram की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनीवेज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही है TVS की तरफ से। TVS की भी यहां जो फ्लैगशिप बाइक है RR310 कंपनी, इसमें अभी अपडेट देने को जा रही है। ये जो अपडेट है ये आपको अप्रैल के ही महीने में मिल जाता है, लेकिन जैसा अभी आप लोग जान रहे हैं कि सिचुएशन ठीक नहीं है जिसकी वजह से इसका जो लॉन्च है इसको कंपनी ने डिले कर दिया। तो दोस्तों ये बात आपकी एकदम सही है कि ये बाइक तो इतनी ज्यादा फीचर लोडेड एक वेल इक्विप्ड बाइक है, तो भला इसमें कंपनी कौन सी अब न्यू अपडेट देने जा रही है। तो TVS यहाँ पे ये चाहती है कि इनकी ये जो बाइक यानी इनकी जो फ्लैगशिप RR310 है ये अपनी सेगमेंट की एकदम बेस्ट बनकर रहे, एकदम अपनी सेगमेंट की यूनिक बाइक बनकर रहे, जिसकी वजह से कंपनी इसमें अपडेट देने से कभी भी पीछे नहीं हटने वाली है। और इस बार भी आपको अपडेट मिलेगा, बहुत बड़ा अपडेट नहीं मिलेगा लेकिन कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ ये न्यू मॉडल आपको देखने को मिल जाएगी। चेंजेस की बात करें तो इसमें हो सकता है कि आपको न्यू कलर ऑप्शन देखने को मिले, इसका जो ECU उसको और अच्छी तरीके से प्रोग्राम किया जाएगा ताकि पावर डिलीवरी और अच्छी तरीके से आपको स्मूथली मिल सके। और अब इसके जो टायर्स है इसको भी लोकली सोर्स किया जाएगा, फिलहाल के लिए इसमें आपको मिशलिन के टायर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आने वाली मॉडल में शायद आपको ये मिशलिन वाले टायर्स नहीं देखने को मिले। और लास्ट अपडेट इसमें आपको ये देखने को मिल सकता है कि कंपनी इसमें जो राइडिंग मोड्स देती है उसको और ज्यादा कंपनी एडवांस बनाने की कोशिश करे ताकि वो एकदम फ्लॉलेसली आपके लिए वर्क करे। तो ये कुछ छोटे मोटे आपको अपडेट देखने को मिलेंगे आने वाली अपाची RR310 के साथ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि बहुत ज्यादा आप लोग उम्मीद मत करिएगा कि आपको बहुत ज्यादा एडवांस फीचर देखने को मिलने वाले हैं अपकमिंग RR310 में। तो इसलिए इसका मतलब ये भी है कि अगर अभी आप लोग RR310 खरीदने जा रहे हो तो वेट करके कोई भी फायदा नहीं है, इस वाली भी मॉडल को आप लोग खरीद सकते हो क्योंकि वेट से आपको कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो लास्ट बार जब इसका अपडेट आया था तो इस बाइक की जो प्राइस थी वो 12,000 रुपीज एक शोरूम में इंक्रीज हो गई थी, और फिलहाल की जो इसकी ऑन न्यू डेली प्राइस है वो है 2,84,000 रुपीज। और अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो न्यू मॉडल है ये अगर मार्केट में लॉन्च होती है तो इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस है वो 5,000 से 6,000 रुपीज और बढ़ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर दूसरी नई बाइक है इस पर बात करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि कल मैंने अपने दूसरे चैनल जिसका नाम है प्रीमियम फैक्ट्स उस पर एक वीडियो डाला था कि अगर इंडिया इजरायली सेना की मदद करती है तो इजरायली सेना कितनी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। तो वाली वीडियो पे मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे मुस्लिम व्यूअर्स उस वाली वीडियो को देखकर काफी ज्यादा हर्ट हो गए। तो वो वाली वीडियो में हर्ट होने वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि वो वीडियो को जस्ट एज एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए मैंने बनाया था। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कोई दूसरी इंटेंशन से वाली वीडियो बनाया था तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों ने वाली वीडियो को अभी तक से नहीं देखा तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी, वहां से आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। ऊपर आई बटन पर भी उस वाली वीडियो की आपको लिंक अभी मिल रही होगी। सो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि उस वाली वीडियो को बना के मैंने किसी रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर उसी चैनल पे आप लोग मेरे से डिमांड करते हो कि भाई सऊदी अरेबिया के बारे में वीडियो बनाओ कि सऊदी अरेबिया इतनी अमीर कैसे है, टर्की के बारे में वीडियो बनाओ कि टर्की का मुसलमान देशों के बीच में कितना बड़ा अहमियत है, टर्की का OIC में कितना बड़ा स्थान है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि वो जो वीडियो था जस्ट एज इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पज के लिए था। यहाँ पे कोई मेरा दूसरा पर्पज नहीं था वीडियो को बनाने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा जरूर से एक बार वो वीडियो को आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड में बाइक है ये कंप्लीटली न्यू लॉन्च बाइक है, लेकिन फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट में ये आपको मिलेगी नहीं। कंपनी ने इसको ग्लोबली लॉन्च कर दिया है और कंपनी ने जो कंट्री में सबसे पहले बार इस बाइक को लॉन्च किया है उस कंट्री का नाम है USA। और यहाँ पे हम लोग बात करें यामा R7 के बारे में। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप लोगों को सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि मेरा जवान यहाँ पे स्लिप कर गया होगा, मैं यहाँ पे R6 बोलना चाह रहा था लेकिन गलती से मैंने R7 बोल दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, R6 जो है वो तो डिसकंटिन्यू कर दी कंपनी ने, अब यहाँ पे आपको R7 देखने को मिल रहा है। तो May 18 यानी कल ही के दिन ये जो बाइक है इसको ग्लोबली लॉन्च कर दिया गया यामा की तरफ से। फिलहाल के लिए ये जो बाइक है सिर्फ ये US मार्केट में सेल होगी और 9,000 रुपीज इसकी एक शोरूम वहाँ पे प्राइस रखी गई है, जिसका मतलब होता है लगभग लगभग 6,50,000 इंडियन रुपीज। अगर यामा R7 जैसी बाइक इंडिया में भी इतनी एक शोरूम प्राइस में अगर लॉन्च हो जाती है तो इस बाइक को लेने के लिए तो एकदम मार हो जाएगा, सभी लोग एकदम तहलका मचा देंगे इस बाइक को लेने के लिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी ने R6 को डिसकंटिन्यू कर दिया है, और ऐसा नहीं कि कोई भी स्पेसिफिक मार्केट से डिसकंटिन्यू किया या फिर कोई कंट्री से डिसकंटिन्यू किया, पूरा ग्लोबली R6 की जो प्रोडक्शन है कंपनी ने उसको बंद कर दिया है। तो R6 बंद हो गई तो R6 के जो फैन बॉयज थे वो डिमांड कर रहे थे कि R6 का नया मॉडल लाओ, नया मॉडल लाओ, लेकिन कंपनी ने भी सोचा कि अब R7 को ही लॉन्च कर दिया जाए। और ये जो R7 है ये बेस्ड है MT07 पे। तो MT07 से इस बाइक में आपको काफी चीजें मैच होते हुए दिखेंगी, वैसे ही इंजन, वैसे ही हार्डवेयर, वैसे ही फीचर्स, कुछ चीजें आपको अलग देखने को मिलेगी, फिलहाल की उसकी जानकारी यामा ने दी नहीं है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये बाइक कल ही लॉन्च हुई है यानी May 18 को ही। तो इंस्टाग्राम पे जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं उन लोगों को पहले से ये बाइक के बारे में पता होगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने पहले ही अपडेट कर दिया
दिया था कि यामा R7 नाम की जो बाइक है वो धरती पे लैंड हो गई है। सो इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि जरूर से फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों को सबसे पहले जाननी है कौन सी न्यू बाइक मार्केट में लॉन्च हो रही है। तो वैसे यामा R7 पे अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा और उस वीडियो की मदद से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी होगी, कैसे इसका इंजन होगा, कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेगी इंटरनेशनल मार्केट में, ये बाइक कौन कौन सी दूसरी बाइक से कॉम्पीट करेगी। तो इफ यू वांट टू सी अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन द यामा न्यू R7 सो प्लीज लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी तक से कंपनी ने इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जारी नहीं किया, लेकिन धूल के चादर के नीचे जो इन्फॉर्मेशन अभी तक से मेरे को मिली है वही मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो इस बाइक में आपको 689 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन मिलेगा जो कि 74 पीएस का पावर जनरेट करेगा और 67 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। इसमें आपको ऑल एलईडी सिस्टम देखने को मिल जाएगा, डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा और ये जो बाइक है ये कॉम्पीट करेगी मार्केट में एप्रिलिया RS660 से और होंडा CBR650R से। दूसरे थर्ड नंबर पे बाइक है, वैसे यहाँ पे बाइक नहीं, थर्ड नंबर पे एक मैक्सी स्कूटर है और स्कूटर का नाम है एप्रिलिया SXR125। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि एप्रिलिया के स्कूटर्स में भले आपको ज्यादा फीचर्स देखने को ना मिले लेकिन इनकी स्कूटर्स में आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है और एप्रिलिया SXR160 जिन लोगों ने चलाया होगा उन लोगों को ये बात काफी अच्छी तरीके से समझ में आती होगी। लेकिन एप्रिलिया SXR160 के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि वो जो स्कूटर है वो काफी ज्यादा महंगी है और महंगी से मेरा मतलब ये नहीं कि 90,000, 1,00,000 या फिर 1,10,000 रुपए की वो स्कूटर है। एप्रिलिया SXR स्कूटर जो है वो आपको ऑन न्यू दिल्ली में मिलती है लगभग 1.5 लाख रुपए में। तो जी हाँ दोस्तों, SXR160 इतनी ही महंगी और यहाँ पे आप लोग जैसा समझ सकते हैं कि स्कूटर के लिए इंडियन मार्केट में जो बायर्स है वो इतने प्राइस पे करने के लिए कभी रेडी होते नहीं है। इतनी प्राइस अगर कोई बंदा पे करेगा तो जरूर से कोई ना कोई बाइक लेगा या फिर वो कोई 125 सीसी बाइक ही क्यों ना, और 125 सीसी का मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 1.5 लाख रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस है जिसकी वजह से ये स्कूटर उतना ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट नहीं करने पाती जितना कि बाद बाकी इसी के सेगमेंट की कोई दूसरी स्कूटर्स कर पाती है। और वहीं इसी प्राइस रेंज में भला कोई स्कूटर क्यों खरीदे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्राइस रेंज में आपको 200 सीसी बाइक्स भी मिल जाती है, एक से एक आपको 160 सीसी बाइक्स मिल जाती है, 160 सीसी बाइक्स तो इससे कम ही प्राइस में मिलती है। सो वैसे यहाँ पे मेरे को ये नहीं पता कि एप्रिलिया ने कौन से सेगमेंट के बायर्स को टारगेट करके इस स्कूटर की प्राइस फिक्स की है, तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वैसे दोस्तों ये तो बात होगी SXR160 की, लेकिन यहाँ पे SXR125 लॉन्च होने जा रही है और इसका जो डिस्प्ले है इसको एप्रिलिया ने किया था 2020 के ऑटो एक्सपो में। तो ऑटो एक्सपो में ही एप्रिलिया इंडिया ने ऐसा हिंट दे दिया था कि वो लोग अपनी SXR125 पे काम कर रहे हैं और ये भी स्कूटर जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है, इसकी प्राइस भी कम रहेगी SXR160 से। और फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को SXR125 खरीदनी है तो इसकी बुकिंग चालू हो गई है, आप लोग अपने नियरेस्ट शोरूम में विजिट करके इसकी बुकिंग करवा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे इस लिस्ट में मेरे पास बची आखिरी दो बाइक्स और वहीं यहाँ पे जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर बाइक्स है ये दोनों ही सुपर बाइक्स हैं। तो फोर्थ नंबर में हम बात करें डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 के बारे में और मल्टी स्टार्टर V4 के बारे में। तो पिछले कुछ समय से डुकाटी की वेबसाइट पे डुकाटी डीलरशिप्स की तरफ से ऐसा काफी ज्यादा हिंट आ रहा था, काफी ज्यादा पोस्ट शेयर किए जा रहे थे कि स्ट्रीट फाइटर V4 और मल्टी स्टार्टर V4 जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। वैसे कंपनी ने तो यहाँ पे हिंट काफी ज्यादा दिया कि वो लोग ये दोनों बाइक्स को काफी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन अभी तक से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया कि कब लॉन्च करने वाले हैं, कितने प्राइस में लॉन्च करने वाले, क्या क्या इनमें नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो डुकाटी इंडिया डुकाटी डीलरशिप्स में जो हिंट मिल रहे थे उसी को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं काफी सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स में मैंने देखा कि यहाँ पे ऐसा लिखा जा रहा है कि ये जो दोनों बाइक्स है जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। हाल ही में यहाँ पे आप लोग भी ये चीज जानते हो कि ये सब बाइक्स लॉन्च हो चाहे ना हो इनसे बहुत ज्यादा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सब जो बाइक्स है सब मास मार्केट के लिए तो बनी नहीं है, हाई एंड कस्टमर्स के लिए बनी है जिनका बजट काफी ज्यादा हाई रहता है। तो एक रेशनल बाइक एंथूसियास्ट 150 से 200 सीसी के बीच में अपनी बाइक्स को खरीदता है और जिन लोगों के पास थोड़े बहुत ज्यादा पैसे होते हैं वो 300 से 400 सीसी के बीच में अपनी बाइक्स खरीदते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं, बहुत ज्यादा जो हाई एंड कस्टमर्स होते हैं वही लोग इस टाइप की बाइक्स की तरफ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो फैक्ट था वही बोल दिया कि बहुत ज्यादा लोगों को एक घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि ये सब बाइक्स लॉन्च हो रही है कि नहीं लॉन्च हो रही है। सो एनीवेज मेरा काम है आप लोगों को बताना और मैंने आप लोगों को बता दिया और इसी से रिलेटेड अब हम लोग जंप करते हैं फिफ्थ नंबर की बाइक की ओर। तो फिफ्थ नंबर हम लोग बात कर रहे हैं एक ब्रिटिश बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी की बाइक के बारे में और इसका नाम है ट्रायंफ बॉनविल बॉबर। जो BS4 से BS6 का एरा शिफ्ट हो रहा था तो उस समय ट्रायंफ की काफी सारी बाइक्स डिसकंटिन्यू हो गई थी, बहुत कमी ट्रायंफ की बाइक जो थी वो इंडिया में सेल में थी अपनी BS6 इंजन के साथ। फॉर एग्जांपल STRRR थी, STRRS थी, तो बॉबर सीरीज हो गई, टाइगर सीरीज हो गई, इन सीरीज की कुछ जो बाइक्स थी वो मिसिंग थी। तो फिलहाल के लिए आपको ट्रायंफ बॉनविल बॉबर वापस से देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट में। तो इस नई वाले ट्रायंफ बॉनविल से सिर्फ मेरे को इतना पता है कि इस बाइक में आपको 16 इंच के फ्रंट में व्हील देखने को मिलने वाले हैं और इस न्यू वाली मॉडल में अब आपको बड़ा फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा 12 लीटर का। तो बस यही होगी आपकी प्यारी सी ट्रायंफ बॉनविल बॉबर। तो दोस्तों यामा R7 को छोड़ के यही कुछ चार बाइक्स और स्कूटर्स आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाली है इंडियन मार्केट में। और मैंने इस वीडियो में बार बार आप लोगों को बता ही दिया कि अगर आप लोगों को सबसे पहले जानना है कि इनमें से कौन सी बाइक कितने प्राइस में कब लॉन्च हो रही है तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग मेरे को इसके लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो या अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।